खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां आनंद नगर स्थित ब्लूबर्ड स्कूल में वार्षिक परिणाम दिवस महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीएम एफ सहारनपुर रजनीश कुमार मिश्रा रहे और प्रोग्राम की अध्यक्षता एसओ थाना सहारनपुर सतीश कुमार ने की। वहीं इस अवसर पर जसलीन कौर, जिला सम्यवक स्वच्छ भारत अभियान भी उपस्थित रहे और बच्चों को उनकी कामयाबी पर शुभकामनाएं दी। खबर महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र से है, जहां युवक ने घर में लड़की को अकेला पाकर जोर जबरदस्ती और छेड़खानी की, जिसके बाद पीड़ित और उसकी मां ने एसपी कार्यालय महाराजगंज को प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित ने थाना अध्यक्ष पनियारा पर आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष जबरन सुलह कराने का दबाव डाल रहे हैं और बताया कि छेड़खानी करने वाले युवक सयाम धमकी दे रहे हैं कि अगर मामला सुलह नहीं करोगे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अपनी व अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगा रही है अब पीड़ित। देखने वाली बात यह होगी कि एसपी महोदय इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करते हैं। क्या दिक्कत है कि आप लोग को एप्लीकेशन दिए हैं एसपी साहब के यहाँ? पेट्रोल छिड़क कर मिला देंगे। अच्छा, मैं घर से निकलती है तो मेरा राय छेड़ता है, कहता है कि मुझे हमसे जबरदस्ती करता है, तुम मुझसे बोलो। अच्छा, तो बोलते हैं तो मेरे घर में घुस कर मारता है। तो पनियारा थाने पे दिया गया था एप्लीकेशन, वहाँ से क्या कार्रवाई हुई? मुझे दिए तो हम पनियारा दिए, अच्छा भी नहीं सुनाया तो हमसे जबरदस्ती से दस्तक करा रहे थे सुलह करने के लिए। अच्छा, सुलह के लिए कौन दबाव बना रहा था? मतलब पनियारा के एसओ दबाव बना रहे थे। तो हम यहाँ महाराज बनाए कि लड़का है, लड़की घर छेद है, हमें यहाँ घुस कर उनसे मारे हैं, हमसे हम बात करें, बात नहीं करे ले तो वो के घर में घुस के मारे ले, जब नहीं रही कहीं चल जाए तो वही घुस जाने उनके पास और रहन दे ले, उनका बाप कहना छठ कहे ले, तो हम थाने दरखास्त आए ना सुनवाई नहीं बोला। वो किस थाने का मामला है? मुजरी थाने, पनियारा थाने, पनियारा थाने पे एप्लीकेशन दी थी आप? हाँ। तो क्या कार्रवाई वहाँ से हुई? कुछ नहीं हुई। हाँ। क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से हम कहे कि कार्रवाई करने के लिए आप ही की आप सुना। हाँ। यहाँ एसपी साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? कागज मिला। अच्छा, कागज दिए हैं। आज होली का खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया। वहीं लखनऊ के उदयगंज क्षेत्र में स्थित राम मंदिर में होली का त्यौहार प्रभु श्री राम को खुश करने के लिए भी मनाई गई। आपको बता दें कि मंदिर में कीर्तन, ढोल, नगाड़े और मंदिरों के को बजाया गया, जिसमें सभी भक्त भक्ति में चूर नजर आए। आज होली का त्यौहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, उसी प्रकार आप लोग भी त्यौहार को पूरा राम भक्ति में चूर होकर मग्न होकर त्यौहार को मना रहे हैं। थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए, कितनी पुरानी मंदिर है और ये कब से चलता आ रहा है? और यहाँ ये परंपरा भजन की, कीर्तन की, तमाम उत्सवों की चलती ही रहती है। अब आज तक ये पैदा होता है जो होली में, तो जो हमारी हमारी जो होली की परंपरा है, उसे तो लगभग सैकड़ों वर्ष से, हम अपनी उम्र से कम से कम 50 वर्ष आगे के हमको लोग बताते रहते हैं कि हम अपनी सनातनी परंपरा को निभा रहे, इसलिए होली का फगुआ गीत, तमाक और लोग गीत और भगवान के भजन, इसके लिए हम लोग लाइव करते हुए और आनंद के साथ होली का पर्व मना करके परस्पर सौहार्द बढ़ते हैं। एक इस सोसाइटी के तहत आप लोगों ने मंदिर की पूरी तैयारी की है? रमणीक सोसाइटी। अच्छा, अभी क्या क्या तैयारियां हैं आगे? आज कीर्तन के बाद और क्या तैयारियां रहेंगी? अभी 8 दिन होली है, 100 वर्ष के कार्यक्रम उसमें राम नवमी के करीब उसमें तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें भाग भी होगा, जो गीत होंगे, भजन संध्या होगी। अच्छा, ये जब
मनाया जाएगा और ये हफ्ते चलेगा, ये हफ्ते चलेगा। आज होली का त्यौहार पूरे। खबर लखनऊ से है, जहां दुबग्गा में वासुदेव सिटी बस ऑपरेशन द्वारा दुबग्गा डिपो में 22वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। आपको बता दें कि 3 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें 4 मार्च को पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह अभियान की शुरुआत का प्रतीक भी है। पूरे भारत में 4 से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सिटी बस ऑपरेशन के द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य शून्य नुकसान से है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दुबग्गा डिपो में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं महिलाओं बच्चों समेत युवकों में आपस में जमकर लात और घूंसे भी चले। आपको बता दें कि लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी है। पुलिस ने दो पक्षों के 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के बगोरा बाईपास का बताया जा रहा है। घटनाक्रम जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के उरई नगर स्थित बघोरा मोहल्ले सामने, जहाँ पर देर रात पड़ोसियों के बीच में आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद गाली गलौज और उसके बाद हाथापाई हुई। इस पूरे घटनाक्रम में का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो को संज्ञान में लिया गया है और स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक हमारे पास जानकारी उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें जो वीडियो में जो आरोपी दिखाई दे रहे हैं या जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनकी तलाश में देर रात से ही पुलिस ने दबिश जारी रखी है। अब इस बात का जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी और क्यों आखिर नौबत मारपीट तक, क्योंकि इसमें महिलाएं भी और बच्चे भी ये सब के सब इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से आपस में मारपीट हो रही थी, महिलाएं भी कुछ चोटिल हुई हैं। आज खबर जालौन से है, जहां दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CSC कोच में भर्ती करा दिया है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये पूरी घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र के बरोदा गांव के पास की बताई जा रही है। आज समय लगभग 1845 बजे बरोदा के समीप दो मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर हो जाने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल पर दो दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई है, दो लोग जो है घायल हुए। घायलों को जो है ग्वालियर और उरई एक रेफर कर दिया गया है और मृतकों का पंचनामा भरकर जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले सर? सर इसमें दो लोग इसके हमारे जनपद जालौन के कोतवाली कोच के अंतर्गत रहने वाले हैं और दो लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले। बाइकों में जो है आमने सामने भिड़ंत हुई, दोनों बाइकों में दो दो लोग सवार थे और जिस पर चारों लोग जिस पर जब टक्कर हुई है तो चारों के चारों उछल कर सड़क पर बुरी तरीके से जो है जख्मी होकर जा गिरे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और दो लोगों की स्थिति नाजुक है। फिलहाल मौके पर जो स्थानीय लोग थे वहाँ की सूचना पर जो पुलिस और एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची है तो दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की स्थिति नाजुक थी। इसमें से एक व्यक्ति को ग्वालियर की ओर रेफर किया गया, दूसरे को मेडिकल कॉलेज पुणे के लिए रेफर किया गया। साथ ही जो दोनों शव हैं बाइक सवारों के, उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। खबर झारखंड के कोडरमा से है, जहां जिला के कुंडीधनवार पंचायत के कोसो नदी किनारे गन्ने की खेती में अचानक आग लग गई, जिससे किसानों के लाखों का नुकसान हो गया। वहीं किसानों ने कहा कि तकरीबन 5 एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गई थी, वहीं फसल कंप्लीट हो चुकी थी। फसल में आग लग जाने के कारण किसान परिवार में काफ़ी मायूसी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आग कैसे लगी इसका किसी को पता नहीं है। किसान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सभी किसान झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हम गरीब किसानों को मुआवजा राशि दी जाए ताकि नुकसान का कुछ हद तक भरपाई हो सके। हुआ अभी हम लोग इसको खेती जो लगाए हैं, एक खेती तैयार हुआ, हम लोग इसको चिपने के लिए अब हम लोग अपना काम चालू किए थे, तब तक अचानक हम लोग आज एकाएक कैसे हुआ ना हुआ हम लोग को पता नहीं, एकाएक मतलब जो हल्ला हुआ कि
गन्ने में आग लग गया। हम लोग दौड़ के आए तो आग जो लगी थी उसके काबू हम लोग नहीं पकड़ पाए, क्योंकि हम लोग बुता नहीं पाए, पूरे गन्ने जो हम लोग को है जल के राख हो गई। कितना कितना का नुकसान है लगभग? ये 1 लाख से कुछ ज्यादा ही की होगा नुकसान, लाखों रुपया से प्लस की है सर। और गन्ने का खेती 60-50 के बीच में ही किसान का है। अच्छा, तो ये जो सरकार से हम लोग का मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, बहुत मेहनत की कर्जा लेकर के लोन लेकर के बैंक में अभी भी प्रेजेंट है कि वहाँ लोन लिए हैं, कर्जा लिए हैं ऐसे और पूंजी लगाए हैं। फिर आग पर का पर पाए हम लोग आए, हम लोग का हिम्मत नहीं पड़ा, पूरा आग से नहीं बुता पाए हम लोग, पूरा जल के खत्म। खबर यूपी के वृंदावन से है, जहां धर्मनगरी वृंदावन में प्रतिवर्ष की भांति रथ के मेला के अवसर पर परंपरागत ब्रज का विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन 16 मार्च को हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर किया जाएगा। उसके साथ चरित्र निर्माण व्यायामशाला, अखाड़ा, मालाधारी रथ मेला, कुश्ती दंगल समिति और नगर निगम के संयुक्त में आयोजित कुश्ती दंगल में पंजाब, राजस्थान सहित राज्यों में समेत ब्रज के पहलवान अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। श्रीधाम वृंदावन में भगवान रंगना के ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्य और भव्य कुश्ती दंगल, परंपरानुगत कुश्ती दंगल श्रीधाम वृंदावन में हजारीमल सोमानी इंटर कॉलेज, नगर निगम इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 16 मार्च 2023 को दोपहर में 3 बजे से और 8 बजे तक संपन्न होगा। दंगल की चरित्र निर्माण व्यायामशाला, अखाड़ा, मालाधारी, श्री वृंदावन रथ मेला, कुश्ती दंगल समिति रजिस्टर्ड, नगर निगम मथुरा वृंदावन के संयुक्त तत्वावधान में ब्रज का परंपरागत विशाल रथ मेला कुश्ती दंगल संपन्न होने जा रहा है। इस बार महान रंग केसरी खिताबी कुश्ती दंगल टाइटल की कुश्ती होगी और इसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश व अपने ब्रज क्षेत्र के सभी पहलवान शिरकत करेंगे। हम कुश्ती दंगल समिति के अध्यक्ष श्रीमान राधा कृष्ण जी पाठक, सचिव शशि पहलवान जी, कोषाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर जी गौतम, संयोजक लाला पहलवान सुभाष भय और बाल मुकुंद जी शर्मा, हमारे समिति के वरिष्ठतम हमारे रामकिशोर जी अग्रवाल, केडी मेडिकल कॉलेज अथवा समिति के नारायण दास जी अग्रवाल जी व सभी सम्मानित व्यक्तिगण इसमें सम्मिलित होंगे। और सबसे बड़ी बात, वृंदावन में जो रथ मेला का दंगल होने जा रहा है उसकी मुख्य अतिथि हमारे शैलजाकांत जी शर्मा, उपाध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश, नागेंद्र प्रताप जी उपाध्यक्ष MBDA, हमारे माननीय श्रीकांत जी शर्मा, हमारे अन्य झाजी नगर आयुक्त जी, हमारे क्रांति शेखर जी, ये दो मुख्य अतिथि हैं हमारे। और सभी जनता से हमारा ये आग्रह है कि अधिक से अधिक जन अपने बच्चों को लेकर के दंगल का आनंद लेने आए, जिससे बच्चों में शारीरिक सौष्ठव के प्रति जन जागृति फैले। अपने इसी के साथ में सभी को राधे राधे, श्रीधाम वृंदावन। खबर मथुरा से है, जहां के छाता पैगाव रोड स्थित मुकुंद माधव मंदिर पर चौपाई गायन का आयोजन किया गया। चौपाई गायन के आयोजन में नगर के गणमान्य लोगों का पूर्व चेयरमैन चौधरी जगपाल सिंह ने गुलाल लगाकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। वहीं होली के गीतों पर महिलाओं और पुरुषों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य किया। चौपाई गायन के आयोजन के संबंध में पूर्व चेयरमैन चौधरी जगपाल सिंह ने जानकारी देते हुए काफी कुछ बताया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में और पूरे देश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये कहावत है कि जग होरी ब्रज होरा। ब्रज में पूरे विशालकाय तरीके से इस पर्व को सभी लोग मनाते हैं, सभी इकट्ठा होते हैं, आपस में गले मिलते हैं और उसके साथ साथ रंगों के होली खेलने के साथ साथ ये परंपरा है कि सभी लोग एकत्रित होकर के सब जगह 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 जहाँ जहाँ मंदिर हैं, जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ एकत्रित होते हैं और आपस में
जो भी कोई मनमुटाव होता है उसे दूर करते हुए, गिले शिकवों को दूर करते हुए गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आज बड़े धूमधाम से चौपाई का मेला यहाँ मुकुंद माधव भगवान के प्रांगण में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है, सब लोग मिलकर के इस मेले को सफल बनाते हैं और आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोगों का हुजूम है। महिलाएं अपनी मस्ती में हैं, होरियारे जिन्हें हम होरियारे कहते हैं हमारे युवा साथी भी हैं, और उसमें ताज्जुब की बात यह है कि होली की कमेटी जो होती है, होली के जो खेलने वाले लोग होते हैं उसमें 10 साल से लेकर के और 80 साल तक के बुजुर्ग भी होते हैं और सब एक साथ मिलकर के होली खेलते हैं। इसी तरह से महिलाएं भी इसी उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं। यही कार्यक्रम आज यहाँ भी किया जा रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। खबर यूपी के आगरा से है, जहां सशस्त्र सेना की मीटिंग के साथ ही होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही सेना में काफी संख्या में युवा और महिलाओं की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी हुआ है। कावेरी ग्रांड कैलाश बिहार निर्भय नगर खंडारी पर आयोजित हुआ है, जिसमें 5 ऐसी महिलाओं को सेना द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई, और कला के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, आर्टिस्ट के तौर पर 5 महिलाएं अलग अलग वर्ग से संबंध रखती हैं। जी सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और आप जानते हैं कि मेरी एक सशक्त सेना है, जिसकी मेरी अपनी वही मेरी पहचान है, जिसके लिए मैं महिलाओं के लिए हमेशा से लड़ती रही हूँ। और मेरा मानना है हमारी सेना का कि महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की, बच्चियों की रक्षा और बच्चियों की सुरक्षा, हम हमेशा उसके लिए तत्पर रहें। और मैं इसी के उपलक्ष्य में जो ऐसी बेटियाँ हैं, ऐसी बहनें हैं मेरी जो बहुत मजबूत हैं अपने आप में, जिन्होंने आगरा को गौरवान्वित किया है, उनके नाम से लोग पहचानते हैं, इन बहनों को आज मैं सम्मानित कर हमारी सेना की तरफ से अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और हमारा अभी बहुत सारे लोगों की जैसे फोन आ रहे थे ज्वाइनिंग करानी है मुझे, तो काफी संख्या में लोग हैं जिनको अभी सेना में ज्वाइनिंग करानी है। इसके बाद मैं एक बड़ा कार्यक्रम सूर सदन में रखूंगी। देखिए हमारी जो सदस्यता जो लोग लेना चाहते हैं उनको हम सिर्फ मात्र 101 रुपए, उनकी आईडी, उनका एड्रेस, फोन नंबर, वो हम लेते हैं। और उसके बाद हम अपनी जो साड़ी है, ड्रेस कोड है, जैसा अभी मैं आपको दिखाऊं मेरी बहने पीछे बैठी हुई है, वो हम, और जो शर्ट है जेंट्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों को येलो कलर का। और यही हमारी कोशिश है अभी, क्योंकि आगरा और कुछ फतेहपुर सीकरी के यहाँ के लोग हैं, उसके बाद हरदोई के हैं, मैनपुरी के हैं, एटा के हैं, जिनको मैं दोबारा आमंत्रित करूँगी और ज्वाइनिंग कराऊंगी। का गलत फ़ायदा उठाना नहीं है, हमारी सेना का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और लड़ाई के लिए तत्पर तैयार है। तो जो ऐसी इच्छा रखता है कि लोगों के काम आए, लोगों की मुसीबत में काम आए, जो दर्द में गिरे लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो बच्चियाँ हों, चाहे महिला हों, उनके काम आ सके कि वो उसके हृदय में अगर है तो हमारे यहाँ उसका स्वागत। खबर मथुरा से है, जहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी मथुरा जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और मांग की है कि भगवान कृष्ण की प्राचीन क्रीड़ा स्थली में भूतेश्वर के पास प्राचीन हाथी टीला पर मुस्लिम समाज द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बताया कि उस स्थान पर भगवान कृष्ण में और कंस के पागल हाथी में युद्ध हुआ था। ये हिंदुओं का प्राचीन स्थान है और पुरातत्व विभाग के अधिकार में आता है। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बड़ा अधिकारी इसमें रिश्वत खाकर कब्जा करा रहा है। यदि यह अतिक्रमण नहीं हटा तो हिंदू महासभा भूख हड़ताल करेगी। खबर बांदा से है, जहां समाज सेवी सुमित शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ सदर विधायक के नाम उनकी अनुपस्थिति में जिला कार्यालय में विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा और परशुराम चौक की मांग की है। वही समाज सेवी ने कहा कि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी द्वारा सभी चौराहा का सुंदरीकरण और विकास कराने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि जिले के अधिकांश लोग चाहते हैं कि महर्षि वामदेव की तपोभूमि में नगर में कम से कम एक चौराहे का नाम परशुराम चौक किया जाए और उनकी प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई जानी चाहिए। हम लोग विधायक कार्यालय आए हैं, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोग? हम लोगों ने परशुराम चौक, जो कि अभी माननीय जी द्वारा सभी पुराने चौराहों को विकास कराने की बात कही गई है, तो हम लोग आए हैं कि बांदा जिले के किसी एक चौराहे का नाम परशुराम चौक किया जाए, साथ ही उनकी प्रतीकात्मक एक मूर्ति लगाई जाए। ये मांग कर रहे हैं, किसको दिया आपने ज्ञापन? जी उनके प्रतिनिधि, जो कि कार्यालय प्रतिनिधि हैं, उन्हीं को हम लोगों ने दिया। हम लोग विधायक कार्यालय